Good morning. Today is 17th August 2018 and we are going to discuss the editorial of the Indian Express. आज सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट आई है। पहला आर्टिकल है, ये आर्टिकल केरल में जो फ्लड आया है उससे रिलेटेड है, तो उसके पूरे सिचुएशन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये जो केरल में प्रेजेंटली जो फ्लड आया है वो ये साउथ वेस्ट मानसून के कारण आया है, तो साउथ वेस्ट मानसून के पूरे फेनोमेना को समझेंगे और साथ ही साथ ऐसे कौन से स्टेप्स हमें लेने की ज़रूरत थी जिससे हम बेटर वे में इस फ्लड लाइक सिचुएशन को टैकल कर सकते थे, और कुछ गलगित कम्युनिटी के कुछ रिकमेंडेशंस आए थे तो उस रिकमेंडेशंस को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट जो तीन आर्टिकल हैं, ये आर्टिकल हमारे बहुत ही लोकप्रिय और अभूतपूर्व नेता अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व के बारे में है, तो उन्हें पूरी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे इन तीनों आर्टिकल की मदद से कि उनका रोल जो था इंडियन डेमोक्रेसी के प्रति, भारतीय राजतंत्र के प्रति किस तरह से रहा और हमें वो किस तरह से फायदे पहुंचाए, तो पूरे डिटेल में उनके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करेंगे इन तीनों आर्टिकल की मदद से। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। केरला इज रीलिंग अंडर द वर्स्ट फ्लड सिंस 1924, मतलब अभी जो सिचुएशन आया हुआ है बाढ़ की वो 1924 से लेकर अब तक ऐसी भयावह स्थिति नहीं पैदा हुई थी, और ये जो स्थिति हुई है ये स्थिति क्यों हुई है, ये स्थिति साउथ वेस्ट मॉनसून के कारण हुई है जो कि 1 जून के आसपास स्टार्ट हुई थी, एंड 30% जो था इस बार जो मॉनसून था वो एक्सेस में वहां पर हुई। ऑलमोस्ट जितने थे 44 रिवर्स जो स्टेट में हैं उनमें से 35 और फिर 39 डैम जो है उनके ओवरफ्लो कर रहे हैं, और जितने भी रिवर्स हैं सभी को मतलब रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पहले हम लोग साउथ वेस्ट मॉनसून के फेनोमेना को समझने से पहले देखते हैं कि दो कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं, एक होते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून, एक होता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। जैसे साउथ, साउथ मतलब क्या हो गया, साउथ जब हम लोग बात करते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून के साउथ पार्ट का, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑस्ट्रेलिया से हाई प्रेशर, ऑस्ट्रेलिया जैसे रीजन में हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है, और वेस्ट जब वेस्ट मॉनसून मतलब क्या हो गया कि डायरेक्शन ऑफ एयर मूवमेंट फ्रॉम द हाई ऑस्ट्रेलिया टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यहाँ जो हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है इसे इंडियन कॉन्टिनेंट में जो मूवमेंट हुआ तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक इसी तरह नॉर्थ ईस्ट मॉनसून को क्या समझेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ को पहले अलग करके देखो तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अब जब यहाँ पर बारिश लगातार हो रही है तो बारिश होने के कारण यहाँ क्या होगा, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और जब ये हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ एयर मूवमेंट फ्रॉम द हाई इंडियन टू द ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर उतनी देर में यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा और ये जो डायरेक्शन ऑफ विंड होगा ये कुछ इस तरह से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं अब साउथ वेस्ट मानसून ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। जून के मंथ में क्या होता है, सन इज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सन जो मतलब जून का मंथ क्या, इंडिया में बहुत गर्मी का वक्त होता है, तो इसके कारण क्या होता है, यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो ड्यू टू द वेरी हाई टेंपरेचर एयर प्रेशर इज वेरी लो, और जब टेंपरेचर हाई होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रेशर वहां का लो हो जाएगा, और जब प्रेशर लो होगा तो लो प्रेशर जोन बन जाएगा इस एरिया में, ये एरिया पूरा लो प्रेशर जोन बन गया, और उसके कारण क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा विंड को जहां की हाई प्रेशर जोन बना होगा, वो हाई प्रेशर जोन वाले विंड जो है वो इस ओर अट्रैक्टेड हो जाएंगे, तो जिस कारण से क्या होता है, साउथ ट्रेड विंड्स क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो फ्रॉम द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, सो दे आर कॉल्ड द साउथ ईस्ट मॉनसून। तो साउथ वेस्ट में जो हाई विंड, यहां पे हाई प्रेशर विंड है जो ये अब इंडियन कॉन्टिनेंट की ओर बहने वाले हैं, चलने वाले हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट मॉनसून। एज दे मूव फ्रॉम द वास्ट ओशियन पार्ट देयर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 90% एंड गिव रेनफॉल टू द इंडिया, और मतलब बोला जैसे ये विंड बहती है और इसमें प्रिसिपिटेशन कितना होता है, 90% के आसपास होता है, तो जिसके कारण इंडिया में जो है रेनफॉल होता है, और ये साउथ वेस्ट मॉनसून मतलब क्या हो गया कि ऑस्ट्रेलिया जैसे रीजन, मतलब यहां पर देखो अरेबियन सी, ये हो गया अरेबियन सी और में जितने ऑस्ट्रेलिया जैसे रीजन है यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हुए हुए हैं, और जबकि इस वक्त जो है यहाँ पर इस रीजन में लो प्रेशर क्रिएट हुआ गर्मी के कारण, तो यहाँ से जो विंड है ये बहकर यहाँ आती है और विंड अपने साथ जो 90% प्रिसिपिटेशन होने के कारण यहाँ पर रेनफॉल करवाती है, तो यही फेनोमेना है साउथ वेस्ट मॉनसून का। तो रेड अलर्ट अभी घोषित कर दिया गया, ऑलमोस्ट जितने 14 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से 12 डिस्ट्रिक्ट में, एंड इन द पास्ट वीक 94% का वहाँ पर डेथ भी हो गया, और लैंडस्लाइड, मड स्लिप और
लैक फ्लड जैसे मुद्दे जो हैं वो बार बार वहाँ पर सामने आ रहे हैं। 1 लाख पीपल को वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया रिलीफ कैंप में, और अंदर क्या बोला गया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो असहाय रूप से फ्लड में अभी भी फंसे हुए हैं। द स्टेट मेन एयरपोर्ट जो उनका एयरपोर्ट था कोची में, वो भी वेडनेसडे को क्लोज रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो लार्जेस्ट रिवर है पेरियार रिवर है वो जो है रनवे को फ्लडेड कर दिया था। एंड पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स आर नॉट नाउ विदाउट द इलेक्ट्रिसिटी, और स्टेट के कुछ पार्ट जो है वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के हैं। रिलीफ ऑपरेशन आर इन द फुल स्विंग, रिलीफ ऑपरेशन वहाँ पर चल रही है, और हो सकता है सेंटर और कुछ अदर एजेंसीज की भी जरूरत पड़े। एंड स्टेट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पर टूट चुका है, उनकी जो मतलब कम्युनिकेशन टूट चुकी है, उसे फिर से रिपेयर और रिबिल्ड करने की आवश्यकता है। एक्सेस रेनफॉल जो है वो तो मतलब रेस्पॉन्सिबल है, ये जो डिजास्टर अभी हम लोग झेल रहे हैं उसका प्रोमिनेंट रीजन तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्सेस रेनफॉल है, लेकिन अनप्लान्ड डेवलपमेंट जो हमने डेवलपमेंट प्रोसेस उस स्टेट में किया वो अनप्लान्ड था, पर्टिकुलरली इन द कंस्ट्रक्शन एंड क्वेरिंग हैव द कंट्रीब्यूटेड टू द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। लेकिन जो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन उसके कारण हो रहा है इस रेनफॉल के कारण, उसके लिए कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल कौन है? हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस जो कि सही ढंग से प्लानिंग करके नहीं की गई थी। विद द फार्मिंग बिकमिंग द अनइकोनॉमिक, जैसे मतलब केरल जैसे रीजन में फार्मिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, और वहाँ के जो भी लैंड थे उसे किस में रिलीज कर दिया गया? कंस्ट्रक्शन, और ये स्टेट रीजन में मतलब कन्वर्ट कर दिया गया। रिड्यूस द एरिया अवेलेबल फॉर द रेन फॉर द फ्लड वाटर टू द स्प्रेड, और इससे क्या हुआ, जैसे मान लो यहाँ पर पूरा ये जगह है, इस जगह पर मान लो अगर आप खेती करते हो तो यहाँ पर जब बारिश आती है, बारिश जो है इसके अंदर ट्रैप होती है इसके सॉइल में, और सॉइल में ट्रैप होने के बाद क्या होता है, आसपास के रीजन में ये स्प्रेड करती है, और यहाँ के जो मतलब रीजन होते हैं पोटेबल वाटर के, ग्राउंड वाटर का भी जो लेवल होता है वो हाई होता जाता है। लेकिन अब मान लो यहाँ पर आप यहाँ पर कुछ खेती की जगह कुछ स्ट्रीट बना देते हो, बिल्डिंग बना देते हो, कंस्ट्रक्शन बना देते हो, तो अब जो ये वाटर आएगी ये वाटर यहाँ ट्रैप नहीं कर सकती सॉइल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पक्का मतलब रोड बना हुआ है, जो पक्का रोड बना हुआ है तो यहाँ पर कोई जगह नहीं बन जाता है कि सॉइल वहाँ पर उसको ट्रैप करे, और जिसके कारण यहाँ का अंडरग्राउंड जो वाटर है उसका लेवल भी नीचे होता है, और साथ ही साथ फ्लड लाइक सिचुएशन जब आते हैं तो वो जो मतलब वाटर है वो वाटर कहीं उसको जगह नहीं मिल पाती है कि जाकर वो कहीं ट्रैप हो जाए। तो ये कारण भी कंस्ट्रक्शन का एक प्रोमिनेंट रीजन होता है। बेटर मैनेजमेंट ऑफ द वाटर सेट, मतलब बेटर मैनेजमेंट किया जा सकता था, और अगर वो होता तो उसकी जो इंटेंसिटी थी फ्लड की, जो इंटेंसिटी जितनी वो मतलब अस्त व्यस्त वहाँ की अभी जनजीवन हो गई है उसे हम लोग सुधार सकते थे। बेटर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन इन द ओपनिंग ऑफ डैम, और साथ ही साथ डैम जो वहाँ पर बने हो उसका भी बेटर प्लानिंग होना चाहिए था, और सही समय पर सही जगह पर उसे मतलब अगर ओपन कर दिए होते तो मतलब उसमें जो पानी अभी इतनी जमा हुई है वो पानी जो ओवरफ्लो हो रही है वो पानी अभी ओवरफ्लो की स्थिति में नहीं होती। और गदगिल कमेटी के जो कुछ रिपोर्ट आए थे उस रिपोर्ट को हमें, जो वेस्टर्न घाट के कंजर्वेशन से रिलेटेड थे, उस रिपोर्ट को हमें वापस से फिर से देखने की आवश्यकता है। वो रिपोर्ट में क्या थे, वो रिपोर्ट में था द कमीशन सबमिटेड अ रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2011 को सबमिट की थी, और एक्सपर्ट पैनल ने अप्रोच किया था प्रोजेक्ट थ्रू द सेट टास्क सच एज द कंपाइलेशन ऑफ द रेडिली अवेलेबल इंफॉर्मेशन अबाउट द वेस्टर्न घाट, मतलब वेस्टर्न घाट से रिलेटेड जितने इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग कंपाइल करो, उसे सिर्फ पेपर पे नहीं रहने दो, उसे कार्य पटल पर लाओ। डेवलपमेंट ऑफ द जियोस्पेशियल डेटाबेस बेस्ड ऑन द एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी, मतलब वहां की एनवायरमेंट के सेंसिटिविटी जितनी भी मतलब डेटा है उस डेटाबेस को क्रिएट करो, और उस डेटाबेस को समझने की कोशिश करो कि वो किस तरह से होती है, और उसके अकॉर्डिंग हमें स्टेप्स लेने की जरूरत है। और कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट बॉडीज एंड द सिविल सोसाइटी ग्रुप, और जो वहां की गवर्नमेंट बॉडी है और सिविल सोसाइटी ग्रुप है दोनों को कंसल्ट करके आपस में समन्वय बना के कार्य करने की आवश्यकता थी, ऐसे रिकमेंडेशंस वहां से आए थे। लेकिन द गवर्नमेंट में नीड टू रिविजिट द रिपोर्ट एंड रीस्टेंड द सर्टेन टाइप ऑफ एनवायरमेंट एंड फ्रेंडली एक्टिविटी इन द हिल, और वो अभी अभी आवश्यकता है कि वहां की गवर्नमेंट उस रिपोर्ट को फिर से देखे, और जो भी एनवायरमेंट अनफ्रेंडली एक्टिविटीज उस हिल्स पे चल रही है उस सारे एक्टिविटीज को बंद करे। ये जो गडगिल कमेटी की रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट ने वहां पर बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन वहां पैदा कर दी थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ के जो लोकल पीपल थे जो कि हिल्स पे रहते थे, जिनका मेन कार्य खेती करना था, जो कि बेसिकली क्रिश्चियन कम्युनिटी से थे, उन्होंने बोला था कि ये जो रिपोर्ट बना के दी गई है बहुत ही ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इसे सिर्फ एनवायरमेंट के बारे में सोचा गया और हमारे जनजीवन के बारे में, लोकल जनजीवन के बारे में ना तो सोचा गया और ना ही हमसे कंसल्ट किया गया, जिसके कारण वो लोग मतलब वहां पर विद्रोह कर दिए थे, और जिसके कारण इसकी जो रिपोर्ट थे वो रिपोर्ट को वहां पर ठीक से नहीं सबमिट कर पाए, और वहां पर हम लोग उसको इंप्लीमेंट भी नहीं कर
कर पाए, तो जिस कारण से ये रिपोर्ट जो अभी तक दबी रह गई है। लेकिन अब आवश्यकता है कि उस रिपोर्ट को वापस से निकाले और उसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसे हम लोग इम्प्लीमेंट करें। द मैन ऑन हर्ट, इनकी एक कविता थी, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते हैं, ना मैदान जीतने से मन जीते जाते हैं, मनुष्य के पहचान उसके ध्यान या आसन से नहीं होते, उनके मन से होते हैं, मन की फकीरी पर कुबेर के संपदा भी रोते हैं। मतलब आप जितना मन आपका फकीर है, उसके उसके सामने कुबेर की संपदा जो अता वेल्थ है, वो भी मतलब कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रह जाते हैं। फकीरी जो वर्ड था, ये मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के पर्सनालिटी को मतलब हूबहू डिस्क्राइब करता है। द एसेंस ऑफ वाजपेयी नॉट अ पैराडॉक्स ऑफ हिज करियर, और साथ ही साथ उनके करियर का एक विरोधाभास जो वहां पर पैदा हुआ था, वो फकीरी ही वर्ड है जो उसके लिए रिस्पांसिबल है। फकीरी डज नॉट मीन द, मतलब फकीरी का मतलब ये नहीं हुआ कि हम संन्यास ले ले, झूला उठाए और जाकर सब कुछ त्याग दे दे। इसका मतलब ये था कि अभी जो स्पॉन्टेनिटी में जो हो रही है, करंट मोमेंट में जो हो रहा है, उसको हम लोग एंजॉय करें, उस मोमेंट को एंजॉय करें विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंटल कंसर्न ऑफ द फ्यूचर, मतलब भविष्य की चिंता किए बिना। बट दिस फकीरी मेड हिम अ मल्टीपल पैराडॉक्सिकल फिगर, लेकिन ये जो फकीरी नेचर थी उनकी, वो मतलब उनको बहुत ही विरोधाभास फिगर में उन्हें बदल दिया था। फेथफुल टू देयर थॉट्स इफ नॉट देयर कल्चर, मतलब उस जिससे बिलोंग करते थे, आरएसएस से, मतलब उनके खिलाफ भी कुछ ऐसे एक्शंस कभी कभी ये ले लिया करते थे, और ऑब्वियसली वो उनके मतलब थॉट्स के प्रति फेसफुल थे, लेकिन उसका जो कल्चर था, कुछ ऐसे कल्चर थे, वो कभी कभी उसके लिए वो विरोधाभास भी साबित हो जाते थे। होल्ड द ऑडियंस टू द, मतलब उनकी जो भाषण देने की प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया मतलब ऑडियंस जो है मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इमेंसली पॉपुलर फिगर थे, लेकिन मतलब मोबिलाइज करने में इलेक्ट्रल विक्टोरीज, मतलब जो मतलब वोट जुटाने की जो कही जाए, उसमें वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थे, लेकिन वहां की जो पब्लिक उनके सुनते थे, उनकी भाषण को सुनकर मंत्रमुग्ध रह जाते थे। बेनिफिटेड फ्रॉम वन इवेंट, उनके दौर में दो मतलब ऐसे कार्य हुए, पहला जो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ, तो वहां से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का मतलब राइज हुआ और हिंदुत्व का मतलब छवि लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने लगी। और साथ ही साथ जब दूसरा कार्य हुआ, वो जब गुजरात में जो हम लोग देखा कि मतलब सफर्ड बिकॉज ऑफ अनदर इवेंट गुजरात राइज जब हुआ था, तो उस समय जो अटल बिहारी की मतलब स्टेप्स थी, वो स्टेप्स लेने के कारण इन पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। समवट स्लीपी डिटैच्ड और पोएटिक एयर ऑफ पर्सोना, मतलब इतने इस टाइप की जो पर्सोना थी, स्टूड द डिट्रैक्ट फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ही फंडामेंटली चेंज द इंडियाज ओरिएंटेशन टू द वर्ल्ड। और उनका बहुत अहम भूमिका थी कि इंडिया का जो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू था, इंडिया को जिस नजरिए से पूरे विश्व देखती थी, उस विश्व में मतलब इंडिया की इंपॉर्टेंस को समझने लगी, और उस इंपॉर्टेंस को समझने के लिए उन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया था। इंडिया कंडक्टिंग ए न्यूक्लियर टेस्ट, उनके ही समय 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया इंडिया ने, और फिर मतलब क्या हुआ, हमने एक रिडिफाइंड इट्स प्लेस इन द वर्ल्ड, और पूरे विश्व में हम अपनी जो है अपना प्लेस जो है स्थान बना पाए। इट्स साइकोलॉजिकल इफेक्ट वर प्रोबेबली, मतलब इसका जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट था, वो बहुत ही ज्यादा था ऐसे समय में जब पाकिस्तान हमें बार बार परेशान कर रहा होता था। एंड सेंडिंग ईरान टू इंडियन ट्रूप्स टू द इराक, और साथ ही साथ इराक में जो मुश्किल आई थी, तो पूरे विश्व जब मतलब कुछ अलग नजरिए से देखते थे, लेकिन शांति प्रक्रिया के लिए हमारे प्रधानमंत्री जो उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने इंडियन ट्रूप को वहां भेजा था। और वार के बारे में वो क्लियर, उनकी एक लाइन थी कि एवरी वन नोज हाउ टू बिगिन, मतलब हर कोई को पता है कि वॉर कैसे बिगिन किया जाता है, लेकिन किसी को यह पता नहीं है कि उसे खत्म कैसे किया जा सकता है। और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी अगर देखा जाए, तो उनके उनके टेनियर में बहुत ऐसे मतलब स्टेप्स लिए गए इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिसइन्वेस्टमेंट में, और उनके ही टेनियर में सबसे फर्स्ट टाइम जो था, हमने जो डेवलपमेंट था, डेवलपमेंट का फिगर जो था 8% को टच किया था। ही डिफीटेड, मतलब उनका जो डिफीट था 2004 में, वो मतलब सॉफ्ट था, लेकिन जो एनडीए ने वन जो डिसीजंस लिए थे, जो मतलब पॉलिसीज बनाए थे, वो पॉलिसीज का कहीं ना कहीं यूपीए वन को हेल्प हुआ, और मतलब उन्होंने उनके डिसीजंस ने, उनके कार्य करने की प्रणाली ने हमें मतलब ये सिखाया कि हमारी एक्सपेक्टेशंस अगर हाई है, तो उस एक्सपेक्टेशंस को हम लोग अचीव कर सकते हैं, और कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिसे इंडिया जैसी कंट्री अचीव नहीं कर सकती है। और द ग्रेट बैलेंसर उन्हें कहा जाता है। द इरा कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इन अ कॉलम, मतलब उनके इरा को अगर लिखा जाए, तो सिर्फ एक
ट्यूटोरियल में मतलब हम लोग पूरे डिटेल में नहीं बता सकते, लीगेसी कैन नॉट बी रिड्यूस टू वर्ड, और उनकी जो लीगेसी थी वो सब शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 3 टाइम वो प्राइम मिनिस्टर रहे, पहली बार 13 दिन के लिए 1996 में, फिर 13 मंथ के लिए 1998 में, और फिर 1999 से लेकर 2004 तक वो 3 बार ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने। और ऑरेटर पर एक्सेलेंस, बहुत ही बड़े अच्छे वक्ता थे, एंड पार्लियामेंटेरियन ऑफ द एक्सेप्शनल कैलिबर, और बहुत ही एक्सेप्शनल कैलिबर के वो सांसद भी थे। बीजेपी बीइंग अ पार्टी ऑफ अ स्मॉल ट्रेडर, बीजेपी को उस टाइम कहा जाता था ये पार्टी जो है एक स्मॉल ट्रेडर और शॉपकीपर की पार्टी है, लेकिन उनके ही समय में, उनके टेन्योर में पार्टी ने बिकम किया क्रेडिबल नेशनल अल्टरनेटिव, कांग्रेस के सामने एक जो अल्टरनेटिव खड़ी बनकर उभरी भारतीय जनता पार्टी, वो उनके टेन्योर और उनके अथक प्रयास के कारण ही। ही रैन अ सक्सेसफुल कोलिशन गवर्नमेंट, उन्होंने एक सक्सेसफुल कोलिशन गवर्नमेंट को भी चलाया जो कि 13 पार्टी उसमें मिलकर काम कर रही थी, टू कंस्टिट्यूट द प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल एंड द काउंसिल ऑफ द ट्रेड एंड इंडस्ट्री। उन्होंने पहली बार जो है प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी को बनाया, और साथ ही साथ काउंसिल ऑन द ट्रेड एंड इंडस्ट्री से भी रिलेटेड उन्होंने काउंसिल को बनाने पर जोर दिया। टेलीकॉम टैंगल विच ही इनहेरिटेड, उनके समय में जो था टेलीकॉम सेक्टर में कुछ ऐसे मतलब टैंगल आ चुके थे, और जिसके कारण क्या था, प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर जो थे मतलब कुछ ऐसे एब्सर्ड से बिड बना दिए थे जो कि उनका जो ब्रिंक था वो मतलब डिफॉल्ट करने के कगार पर आ गए थे, और ऐसी स्थिति में मतलब वो जो कंपनीज थी और बैंक थी बहुत ही वर्स्टली अफेक्टेड हो सकते थे, और ऐसी स्थिति में वो जो मैटर को रिजॉल्व करना चाहते थे चाहे उन्हें जो भी डिसीजन लेना पड़े, इसका मतलब ये था कि वो मतलब इवन सैक्रिफाइस करने के लिए भी सक्षम थे कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री को हम लोग सेक्रीफाइस कर देंगे। एंड तो ऐसे करके वो मतलब उनकी वो जिल को देखी जा सकती है, वो कैसे वो किसी भी डिसीजंस को लेने में पीछे नहीं हटते थे। नो वन कुड हैव फॉरसीन द 4th and 5th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अगर उनके इरा को अगर हटा दिया जाए तो कहीं ना कहीं 4th और 5th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी हमें कभी इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे उनके बिना। हिज इकोनॉमिक डिसीजन मेट विद द मोर रेसिस्टेंस फ्रॉम हिज पार्टी, मतलब उनके जो इकोनॉमिक डिसीजंस थे उनके पार्टी के अंदर ही बहुत विरोधाभास क्रिएट कर दिया करते थे, उनके पार्टी के लोग ही मतलब उनके खिलाफ खड़े हो जाए करते थे, लेकिन उनकी वो पर्सनालिटी थी, उनका वो व्यक्तित्व था कि वो फायरवॉल की तरह उनके पार्टी और मतलब गवर्नमेंट के बीच वो मतलब खड़े होते थे और दोनों में एक समन्वय बना के बैठा कर रखते थे। ही हैज एबिलिटी, गुडविल एंड स्टेचर टू द हार्मोनाइज कॉन्ट्राडिक्शन, जो भी कॉन्ट्राडिक्शन है वो बहुत ही सहज लफ्जों में उसे वो सुधार कर लिया करते थे। द पाथ ब्रेकिंग एफर्ट ऑन टाइज विद द US, और उनके उनके टाइम में ही यूनाइटेड स्टेट्स से हमने को टाइप किया, और वो जो वो ऐसे प्रधानमंत्री भी थे जो पाकिस्तान जाके रिप्रेजेंट किए गुडविल हैजग अक्रॉस द नेशन, और मतलब इसका मतलब चारों ओर मतलब सराहना भी हुई थी। और उस टाइम जो रिलेशन जो हमने US से बनाया वो रिलेशन जो कहीं ना कहीं आज जो हम लोग इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन देखते हैं उसका नींव उस समय ही रखी गई थी, और वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो गई थी। नेवर अगेन विल अवर फॉरेन पॉलिसी बिकम इनवर्ड लुकिंग, और उनके समय में जो फॉरेन पॉलिसी थी जो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे हम रखेंगे, दुनिया के प्रेशर में आकर हम कुछ भी ऐसे डिसीजन नहीं लेंगे, ऐसी जो उनकी व्यक्तित्व थी, इनकी ऐसे सरकार चलाने की पॉलिसी थी, ऐसी मतलब वापस देख पाना बहुत ही मुश्किल होगा। अभी डेमोक्रेटिक एंड द नेहरूवियन मोल्ड, ये पॉलिटिकल लीडर ऑफ ए ग्रेट इमेंस, मतलब अभी हमने जितना देखा इससे तो हम लोग एक क्लियर हो गए कि उनका जो पॉलिटिकल स्टैचर था वो बहुत इमिनेंट था और अनबिलीवेबली ह्यूमन, और मतलब ह्यूमैनिटी उनके बहुत ही क्लोज टू हर्ट था। पावर लिव्स कोरोसिव, पावर जो होता है सत्ता ऐसी चीज होती है जो कि कहीं ना कहीं आप पे दाग लगा देती है, और जबकि आप हम्बल हो अगर डाउन टू अर्थ हो तो कभी भी कहीं भी आपको क्षति पहुंचा सकती है। इंडिया हु ट्रीटेड आम आदमी एंड द खास आदमी अलाइक, और इंडिया जैसे देशों में ये जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्होंने आम आदमी को और खास आदमी के दोनों के बीच के बैलेंस को बनाया, और उसी के साथ सेम ह्यूमैनिटी के साथ जो है और सॉफ्ट स्पोकनेस ऑन द सेम हर्ट कनेक्शन और उतनी ही हृदयता के साथ दोनों के लिए इन्होंने परंपरागत रूप से कार्य किया। नेवर इवन अ ट्रेस ऑफ द एरोगेंस इन हिज कंडक्ट, मतलब वो जो भी कंडक्ट करते उसमें एरोगेंस की थोड़ी सी भी मात्रा नहीं झलकती थी। एंड नो डिस्ट्रक्शन आर यू विथ अस और अगेंस्ट विथ अस, ही मेड मतलब पीपल को मतलब ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं बताया कि मतलब अगर आप बीजेपी के साथ नहीं हो तो आपके साथ मैं गलत व्यवहार करूंगा, ऐसी कभी भी उन्होंने उनके व्यक्तित्व में नहीं झलकती है। हिंदू
नेशनलिस्ट पार्टी से वो बिलोंग करते थे एंड लेकिन नंबर ऑफ मुस्लिम हु एडमायर्ड हिम वाज द टेस्टिमनी ऑफ हिज इंसानियत। लेकिन मुस्लिम पीपल भी जब उन्हें प्यार करते थे, उनकी बातों को सुनते थे, तो ये दिखाता है कि उनकी जो टेस्टिमनी है, इंसानियत है, ह्यूमनिज्म है, वो कितनी हाई थी। इंडिया पीस प्रोसेस इन जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जब मतलब उन्होंने पहले वहां पर जाकर दखल की थी और वहां पर शांति प्रक्रिया बहाल करने की बात कही थी और उसका बेसिस क्या था, उसका बेसिस था इंसानियत, ना कि मतलब किसी और डिसीजन और कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा उन्होंने कहा था कि हम इंसानियत के मुद्दे पर यहां के सिचुएशन को ठीक करेंगे। उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा था हाउ वुड यू सॉल्व द कश्मीर इशू विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग आप कश्मीर के सिचुएशन को कैसे सॉल्व करोगे, तो उन्होंने कहा था हमें उसे सॉल्व करने के लिए संविधान की जरूरत नहीं है बल्कि ह्यूमनिज्म की जरूरत है। सेकंड, उनकी पर्सनालिटी को देखा जाए तो उनका नॉन आइडियोलॉजिकल, वो किसी एक कंप्लीट आइडियोलॉजी के प्रति कंप्लीट समर्पित नहीं थे और उनका पर्सोना ही ऐसा था। ही वाज वन विद द पार्टी ऑफ द डिसअप्रूविंग द पॉलिटिकल यूज ऑफ द सेक्युलरिज्म, जैसे कि आज सेक्युलरिज्म वर्ड का देखते हैं हम लोग बहुत ही मिसयूज होता है, उस तरह से वो उसके अगेंस्ट थे, उन्होंने सेक्युलरिज्म वर्ड को मतलब मिसयूज करने के खिलाफ थे। और साथ ही साथ उन्होंने हिंदुत्व व्हिच हैड बिगन द एनिमेट द बीजेपी पॉलिटिक्स इन द मिड 1980, और जो हिंदुत्व का मुद्दा था उसे भी हम लोग बहुत ही वो बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किए, जो कि बीजेपी का उस टाइम का मेन मतलब मुद्दा हुआ करता था। और एक मतलब स्टोरी भी इस एडिटोरियल में दिया गया है कि जब 2004 में उनकी हार हो गई थी एनडीए गवर्नमेंट की, तो गोवा में वहां पर सभी मीटिंग कर रहे थे और वो चिंतन बैठक कर रहे थे कि हमारी हार क्यों हुई है, तो उसमें सभी लोग जो एक प्रोमिनेंट रीजन उभर कर आया कि हम लोग हिंदुत्व के मुद्दे को अच्छे तरीके से उठा नहीं पाए, हिंदू की आवाज को हम लोग सही तरीके से उठा नहीं पाए। तो जब वो मतलब ब्रेक हुआ था और उस ब्रेक में जाकर जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो अपने सेक्रेटरी से पूछते हैं ये हिंदुत्व क्या होता है, मतलब वो इतने ह्यूमन थे कि मतलब हिंदुत्व मतलब अपने पूरे राष्ट्र के पीपल को समझते थे, ना कि एक किसी खास कम्युनिटी को। इवन अ स्मॉल पार्टी ऑफ वन और टू एमपीज, मतलब उनका कहना था कि नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई छोटी से छोटी पार्टी है जिसके मान लो एक या दो भी अगर एमपी हैं तब भी उनकी आवाज को सुनना आवश्यक है और नॉर्थ ईस्ट के लिए डेवलपमेंट करना मतलब न्यू दिल्ली में उनकी आवाज तक आवाज को पहुंचना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। बीइंग लॉयल टू द इंडिया बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, वो मतलब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के लिए प्रति बहुत ही लॉयल थे। एंड उनकी तीसरी पर्सनालिटी ये थी कि वाजपेयी पर्सनालिटी एंड पॉलिटिक्स वाज द एबिलिटी टू टॉक द होलिस्टिक व्यू ऑफ द थिंग्स, टेल द कलीग्स ड्यूरिंग इनर पार्टी मीटिंग दैट दे शुड लर्न टू लुक एट द प्रॉब्लम। वो अपने इनर पार्टी मीटिंग में अपने कलीग्स को कहा करते थे जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आते हैं उसकी मतलब बिट्स एंड पार्ट्स में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मत सोचो, आप उस प्रॉब्लम्स को एज ए होल देखो कि उसकी सोसाइटी के प्रति उसका क्या मतलब प्रभाव पड़ने वाला है और सोसाइटी में किस तरह से आप मतलब चेंज ला सकते हो, सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो सकते हो, ऐसे होल मतलब इंटीग्रेटेड वे में उस प्रॉब्लम को देखो, ना कि अभी जो प्रॉब्लम आया उसे सिर्फ सॉल्व करने की जरूरत है, मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स के ऐसे सॉल्यूशन के प्रति आप जाओ जिसका सॉल्यूशन आने वाले फ्यूचर में 10 साल 20 साल में भी मतलब वो अच्छा रहे और हमारे सोसाइटी को बाइंड कर रहे। द नीड्स इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन ऑफ द डाइवर्स सेक्शन ऑफ द पीपल आर इंटर रिलेटेड इवन द इंटरडिपेंडेंट, मतलब ये कहा जाता है कि जो मतलब किसी एक जैसे डाइवर्स क्या हो, डाइवर्स सेक्शन ऑफ पीपल, एक रिच पीपल होते हैं और एक होते हैं कॉमन पीपल, तो रिच पीपल और जो कॉमन पीपल का जो नीड होता है, इंटरेस्ट होता है या एस्पिरेशन होता है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है और इंटरडिपेंडेंट होता है। कैसे, जैसे मान लो कोई रिच पीपल की इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में मान लो ये पेन बना रही है, ठीक है, तो ये पेन बना रही है तो कॉमन पीपल के जो स्टूडेंट है जो ये पढ़ने जा रहे हैं स्कूल में इस पेन को खरीद रहे हैं, ठीक है, अब ये जो पेन बना रही है इनका क्या इंटरेस्ट है, इनका इंटरेस्ट ये है कि मतलब ये मैक्सिमम प्रॉफिट को कमाए और मैक्सिमम उनका जितना पेन बनाना उनकी प्रोडक्टिविटी मान लो आज 1000 है तो कल को 1500 हो जाए। और यहाँ पे कॉमन पीपल क्या होती है, कॉमन पीपल की इंटरेस्ट ये होती है ये जो पेन है ये पेन का मतलब और भी इंडस्ट्रीज आए जिसके कारण बेटर
हम लोग को डिसीजन मेकिंग हो सके और पेन का जो दाम है वो थोड़ा कम हो, ताकि हमारे मतलब गरीब बच्चे भी ये पेन को खरीद सके। तो जिस कारण से दोनों का इंटरेस्ट जो होता है एक दूसरे के प्रति इंटर रिलेटेड होता है। समटाइम दे मे आर म्यूचुअली कॉन्फ्लिक्टिंग एंड बैलेंसिंग दैम इज द नेवर इजी। और कुछ समय ऐसा हो जाता है कि वो जो इंटरेस्ट है वो कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर का हो जाता है, और उस समय में बैलेंस कर पाना दोनों के इंटरेस्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कहा जा सकता है। गवर्नमेंट शुड नेवर स्पॉइल सम इंटरेस्ट एंड नेगलेक्ट अदर। और गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री ऐसे होने चाहिए जो कि मतलब किसी खास कम्युनिटी के इंटरेस्ट को ही सिर्फ ना सुने, वो मतलब पूरे देशवासियों की आवाज को सुने, पूरे देशवासियों के मतलब उत्थान के लिए काम करें। नो सेक्शन ऑफ सोसाइटी शुड फील एलिनेटेड एंड डिप्राइव्ड ऑफ द जस्टिस। और मतलब सोसाइटी के कोई भी मतलब सेक्शन को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारा जो सरकार है ये सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है। इंसानियत एंड संवेदना इन आर लाइफ्स आर आल्सो द इंडियन पॉलिटिकल लाइफ। उन्होंने दो एक प्रोमिनेंट वर्ड दिए, एक था इंसानियत और संवेदना, और इन दोनों के प्रति जो है उनको उनकी गहन चिंतन थी। दे आर बैडली नीडेड इन द बोथ स्पेयर। और आज के समय में ये जो है इंसानियत और संवेदना की बहुत ही आवश्यकता है। थैंक यू, आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।